नहीं सर, यू बीइंग इन द मिनिस्ट्री, इट विल बी वेरी नाइस कि आप कुछ बोलेगा अभी। नहीं नहीं चलो ठीक है, आई व्हाटएवर आई हैव टू स्पीक आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, व्हाट यू वांट। नो नो सर, टू द ऑडियंस हु माइट बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, नो दैट्स राइट। नो नो, ऑडियंस ऑलरेडी दे हैव लिसन टू आवर स्पीच। लेट डायरेक्टर से 2 मिनट्स सर फ्रॉम यू, लाइक एंड व्हाट यू वांट टू नो फ्रॉम सर। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर इट, एंड लाइक यू हैव ऑब्जर्व्ड? नो नो, दैट इज व्हाट एवर ऑब्जर्वेशन आई हैव मेड द स्पीच दैट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड मोस्ट प्रोबब्ली बाय यू। नो 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 सर, दिस इज जस्ट योर एक्सक्लूसिव। नो नो, इट इज गुड, दैट इज व्हाई इट्स एनुअल इवेंट बेसिकली, इट इज हेल्ड एनुअली। सो दिस टाइम ऑफ कोर्स देयर आर सम न्यू डिजाइंस आर इंप्रूवमेंट इन द their texture and all. So I feel very happy. So they were also suggesting more of a GI tag ka bare mein. So is the ministry working on that aspect as well? It is on, we are already working on this. Okay. We are working on this. Okay, so aur ma'am yala ma'am bhi bola ki to allocate a particular place for like Delhi Haryana. That is we are trying to locate, because it's very very difficult to locate in this special or any place. Here I have already expressed what we have we did earlier. We tried to locate the Yal Madam and all the Angop group, and they came and we tried to locate, but you see our effort could not continue because of coronavirus and all that. I have told you, so there was a gap. Now we will try, so somewhere we'll try to locate a place where we can build that type of market place. It is basically a marketing center. Thank you. सभी को नमस्ते। तो हम लोग यहाँ में हमारा स्टेट हैंडलूम एक्सपो में आया हुआ है। हम एज एन चेयरपर्सन ऑफ अरुणाचल एनजीओ एंटरप्रेन्योरशिप फोरम अंगोफ की तरफ से हम लोग आया है, और मेरा आजू बाजू में मेरा सेक्रेटरी लोग हैं, सेक्रेटरी एडमिन सेक्रेटरी ये, और हमारा मेंबर्स लोग हैं। तो हम लोग यहाँ बैठा सब आया है ये विटनेस करने के लिए, और हम लोग का बहुत सारा मेंबर्स लोगों का भी स्टॉल है यहाँ में। तो यहाँ एक्सपीरियंस ये है कि ये हर बार एक्सपो तो होता है, लेकिन हम लोग को बायर्स नहीं मिलता है। तो हम यही अनुरोध करेंगे हमारा ईटानगरियन को कि आप लोग भी आइए, जो हमें भी हेल्प कीजिए वोकल फॉर लोकल के लिए, कि हमारा ये जो हम लोग का जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट लोग जो अभी हम लोग एक्टिविटी करता है, ये जो एक्चुअल हम लोग का स्टेट का रूट्स है, ये बैकबोन है हमारा स्टेट का इकोनॉमी के लिए। अगर हम इसको एंटरप्रेन्योरल साइज से देखेंगे, इसको जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप ना देखें, उसको जैसे सिर्फ हम हमारा माएँ बनाते हैं ऐसा ना देखें, इसको हमारा यंगर जनरेशन लोग भी इसको एक एंटरप्रेन्योर का रूप में लेके हमारा लोकल डिज़ाइन को आप आइए वीविंग कीजिए, सीखिए, उसको फिर नया डिज़ाइन दीजिए, नया देके उसको आप ग्लोबली भी, नेशनल इंटरनेशनली भी आप उसको एक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, इसको बिजनेस का रूप दे सकता है। आजकल तो इनोवेशन का ज़माना है, जो जितना इनोवेटिव होता है उतना ही नाम कमाता है, इतना ही शोहरत और रुपया पैसा कमाता है। तो अगर हमारा स्टेट का एक्टिविटी को हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ये सब को अगर हमारा अपना लोग भी आके खरीदे पहने, तो ऐसा होने से क्या होगा, अपना स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो स्टेट खुशहाल रहेगा, तो हमारा परिवार सब अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। कि हम लोग ये ना होगा कि हमें हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दिया वो नहीं सोचते रहना पड़ेगा, अपना स्टेट भी GDP ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। और हम गवर्नमेंट को भी ये अनुरोध करता है कि जब भी बजट सेशन अभी आने वाला है, बजट सेशन में जब भी बजट बनाए, आप हम लोग को भी सोच के बजट में रखिए। तो हमारा एनजीओ एंटरप्रेन्योरशिप फोरम का एक हम लोग का एनुअल इवेंट होने का एक तो मेगा एग्जीबिशन होता है, लेकिन इस बार हम लोग ये कोरोना ये चलते हम लोग कर नहीं पाया, और गवर्नमेंट से भी हम लोग उम्मीद रखा है कि हमें बजट में हमारे लिए भी कुछ रख देंगे,
ये अरुणाचल अनजॉन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो बजट में भी थोड़ा हमको असिस्ट करेंगे। अगर सिर्फ स्टेट में सिर्फ नहीं, ये एक्टिविटी को हम लोग नेबरिंग स्टेट में और नेबरिंग कंट्री में भी ले जाने के लिए हम लोग को हेल्प कीजिए। तो एक जब तक हम लोग खुद सेल्फ सस्टेन नहीं होगा, हमारा स्टेट ग्रो तो होगा नहीं है। अगर हम लोग ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करने वाला को, इसको हम डिपार्टमेंट को भी वही बोलेंगे, हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी, कि एक दो जो भी ये एंटरप्रेन्योर ले जाना चाहता है, ऐसा को हैंड होल्ड कीजिए, किसी एक दो को एक सक्सेस स्टोरी दिखाइए। कम से कम ये फलना को हमने करके ये अभी हमारा नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में नाम कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, इनका चलते हमको हमारा स्टेट में एक अनएम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन हो रहा है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। वो सोचने के लिए कम से कम 10-5 ऐसा लोगों को हाथ हैंड होल्ड करके स्टेट गवर्नमेंट लेके चलना चाहिए। चाहे हम तो सुनते हैं जब ब्रिटिश ज़माना जब चला गया था, टाटा बिरला को भी अपना ही इंडियन गवर्नमेंट उसको फंडिंग कर करके आगे बढ़ाया, हम ऐसा सुनता था। तो ये चीज़ होना चाहिए, हर स्टेट में अपना स्टेट के लिए सोचना चाहिए, जो भी हर एक स्टेट में जो अच्छा काम करता है उसको स्टेट गवर्नमेंट खींचतान के खुद ही लेके जाना चाहिए। तो ये करेंगे तो हमारा सब चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्यूशन आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, जीडीपी स्टेट का बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो मैं तो यही चाहूँगी और ये मेरा आवाज़ आप हमको आज बोलने का मौका दिया इसलिए धन्यवाद। और ये आवाज़ जरूर आप मीडिया और जितना हो सके आप अपलोड कीजिए, हमारा गवर्नमेंट का कान पे भी सुनाइए और हमारा ईटानगरियन को भी सुनाइए कि हम लोग अपना आप से वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। हमेशा आप क्यों दूसरा का दूसरा में जाने के लिए इंटरेस्ट रहता है। और हमारा जो भी माई लोग को भी हम ये बोलेंगे, अब बांडेडवा क्रॉस करके ये हमारा जो गोपुर क्रॉस करके सामान ना खरीदे, अपना स्टेट में जो बना रहा है यहाँ का लोकल एंटरप्रेन्योर से, लोकल इंडस्ट्री से आप खरीद के पहनिए, खरीद के इससे बिजनेस एक्टिविटी कीजिए। अब बाहर से ला ला के अपना इकोनॉमी को भी ड्रेन आउट कर रहा है। हम ये आपसे सभी से विनती करता है, जस्ट बी लोकल, बाय लोकल, लेट्स गो ग्लोबल। थैंक यू। इस बार का जो आप लोग का जो मेन मकसद क्या है टीम से? ये जो हमारा नहीं है, ये जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट एक्सपो है, हम एज एन पार्टिसिपेंट, एज एन मेंबर और एज एक मैं अपना लीडर होने का नाते सभी को एक अवेयरनेस देने के लिए मैं भी यहाँ आई हूँ। मैम आपने कहा कि लोकल फॉर वोकल जो यहाँ से खरीदना है, बोल तो हमारे लोकल में काफ़ी दाम होता है, वो प्राइस जो रीजनेबल नहीं होते, जिसका कारण बाहर से लाना पड़ता है, जाना पड़ता है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका ऊपर मैं यही कहूँगी कि आप यंगर जनरेशन का भी बहुत गलत है। हम जो माएँ हैं, हम भी अभी 50+ आदमी आ गया, तो हम लोग कितना करेंगे, कितना हम लोग आपको माने कपड़ा बना के हम आपको पहनाएंगे। आप यंगर जनरेशन लोग भी आना है, स्किल डेवलप करना है। आप आइए फैशन टेलर मेकिंग में आप सीखिए, आप आइए हमारा वहाँ अरुण ज्योति कल्याण संस्था जो स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं, आप आइए हैंडलूम सीखिए, हैंडीक्राफ्ट सीखिए, आप टेक्सटाइल माने सटल लूम में सीखिए, आप आइए, आप आगे बढ़िए। आप लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ आप लोग जो ईजी जहाँ में जो जो ईजी होता है ना, जहाँ में ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है, जो उसी काम में आप लोग जाते हैं। जैसे स्टूडेंट कुछ नाराबाजी हुआ उसमें आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, या तो आप लोग क्या होगा वेलनेस सेंटर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, या तो कंप्यूटर पर उसी में भागता है, या तो अपना ही स्टेट में इतना एक्टिविटीज़ होने दे के आप दिल्ली मुंबई कोलकाता ऐसे बैंगलोर वगैरह में जाता है छोटा मोटा ये रुपया के लिए भी, आप लोग वहीं जाके दौर दर भटकता है। तो हम तो यही कहेंगे अब हमारा पास आए, हमारा अरुण ज्योति कल्याण संस्था में आइए सीखिए और हमारा खीना फैशन में आए इम्प्लॉय हो जाइए। हम तो इनवाइट करते हैं, हम स्किल भी सिखाते हैं, हम इम्प्लॉयमेंट भी प्लेसमेंट करते हैं जो स्किल्ड होता है। तो आप लोग स्किल्ड है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं बाहर से आदमी लाके बनाना पड़ता है। आपको कपड़ा तो आप पहना है लेकिन आप बनाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं जब डिमांड होता है तो हम सप्लाई करने के लिए बाहर से आदमी लाना पड़ता है। तो वो आदमी क्या करते हैं मेरा देश में, हम ऐसा वो लोग ऐसा बोलते हैं हम मेरे जगह में मेरा देश में मेरा स्टेट में इतना कमाते हैं, अब इतना थोड़ा पैसा हम नहीं आएगा, तो आपको हम कपड़ा पहनाने का चक्कर में हम वहाँ से बाहर से आदमी लाना पड़ता है, सोर्स आउट करना पड़ता है और हायर करना पड़ता है। तो वो लोग का जो सैलरी होता है रहने का सोने का रह वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तब हम लोग मतलब वो कॉस्ट को ग्राहक को हम लोग भी मतलब लेना पड़ता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो इसको आप ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया है,
तो ये मैसेज हम देना चाहता है कि हमारा स्पेशली यंगर जनरेशन लोग थोड़ा तो आइए, सब सीखिए, मेहनत कीजिए, आप भी एक अच्छा स्किल एम्प्लॉय बने। जो ड्रॉप आउट लोग होता है, ऐसे गांव में बैठा है, यहाँ इधर उधर काम करता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, वो ड्रॉप आउट लोग आइए, और जो आप इसको एंटरप्रेन्योर में लेके जाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, वो भी आके सीखिए। जब तक आप खुद नहीं जानेगा, आप बिजनेस भी नहीं चला सकेगा। जैसे मैं अपना खिनाम फैशन चलाती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू स्टिच, आई नो हाउ टू डू एम्ब्रॉयडरी, एंड आई नो हाउ टू डू द लॉइन लूम सटल लूम, हम करने जानते हैं, इसलिए मैं आगे लेके जा सकती हूँ। इसलिए आप जब तक खुद स्किल नहीं होगा, आप आदमी भी नहीं चला सकेगा, आप कुछ भी काम में नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले आप स्किल हो जाइए, आइए, प्लीज़ कम एंड डू गुड बिजनेस टू अस फ्यूचर जनरेशन। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे।